तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में सैनेटर फैसल जावेद को असम्बली हॉल से बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है जिसमें अपोजिशन के 176 और हुकूमत के तकरीबन 100 से ज्यादा अरकान शरीक हैं। सिक्योरिटी ने सैनेटर फैसल जावेद को असम्बली हॉल से बाहर निकाल दिया। फैसल जावेद हॉल के अंदर आ गए जिस पर हॉल में मौजूद सिक्योरिटी अमला ने इन्हें बाहर निकाला। इससे कबल सैनेटर फैसल जावेद ने भी ईवान जेरे की कार्रवाई देखने के लिए पार्लियामेंट पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कौम के लिए डट कर खड़े हैं, वो बगोरों की तरह भागेंगे नहीं, अदालती फैसले की कदर करते हैं जिसमें मनोअन अमल किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन के 3 एजेंट्स ने पार्लियामेंट पर हमला किया, जमीर फरोशी करके इन्होंने आईन से गद्दारी की।